हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मंदिर में मूर्तियां चोरी तथा चोरी करने के बाद मूर्तियों को खंडित करने की घटनाओं को लेकर विशेष टीम गठित कर इस अभियान के बारे में बताते हुए जयपुर जिला पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि मामले को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें कोटपूतली एडिशनल एसपी रामकुमार कसवा, कोटपूतली डीआईजी दिनेश यादव एवं प्रागपुरा थाना अधिकारी शिव शंकर चतुर्वेदी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घटना का खुलासा करते हुए कोटपूतली एडिशनल एसपी रामकुमार कसवा ने बताया कि 21 मई को रात्रि के समय राजनौता के मुख्य बाजार में बने राधा कृष्ण मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर से मूर्तियों को चुराकर कपड़े में लपेट कर ले जाना तथा मूर्तियों को पास के नाले में तोड़कर फेंक देने का प्रकरण मामले में प्रागपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी जाँच शुरू की। पुलिस ने विभिन्न पहलुओं से अपराध की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल एवं अन्य तकनीकी पहलुओं की मदद से पुलिस ने आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी। एक सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध के आधार पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की तो अपराधी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सर के बाल कटवा लिए और खेत में पानी की टंकी के पास जाकर छुप गया। पुलिस ने इस मामले में 24 वर्षीय युवक विकास को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा 7 मंदिरों में मूर्ति चुरा कर उसे खंडित करना स्वीकार किया गया है। घटना का खुलासा करने पर जयपुर पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। आपके क्षेत्र की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज टुडे। 21 और 22 की रात्रि में राधा कृष्ण मंदिर में से मूर्तियां चुरा के उसको खंडित करके नाले में गिराने की घटना हुई थी, जिस पर यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पूर्व में भी यहां पे मंडा और भाखरी अन्य गांवों में मूर्तियां चोरी करके और तोड़ने की घटनाएं हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी घटनाएँ होने के कारण यहाँ पर टीम गठित की गई और टीम में सीओ साहब यहाँ कोटपूतली दिनेश जी और एसएचओ राजपुरा शिव शंकर जी और अन्य साथियों के से टीम बनाई गई और टीम के द्वारा अथक प्रयास से और बीटीएस और अन्य सीसीटीवी कैमरास का पता करने के बाद आज इसमें मुलजिम अरेस्ट किया गया, जिसका नाम विकास चौधरी है, बासरेड़ी गांव का रहने वाला है। इसके द्वारा ये करीब 7 वारदातें मूर्ति तोड़ के और खंडित करके गिराने की घटनाएं की गई है।